finishes off in style. इस साल टीम इंडिया 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने के लिए श्रीलंका के दौरे पर गई है, जहां पर वह 18 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक इस दौरे को एंजॉय करेगी। इस सीरीज का पहला वनडे मैच कोलंबो में खेला गया 18 जुलाई को, जिसे भारत ने 7 विकेट से मैच को जीता। हम इसी मैच का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं इस मैच के बारे में, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। इस दौरे के शुरू होने से पहले 3 जुलाई को श्रीलंका के विश्व कप विनिंग टीम के कैप्टन अर्जुन रणतुंगा ने कहा था कि इंडिया अपनी बी टीम श्रीलंका भेज रही है, जो श्रीलंका के लिए बेइज्जती वाली बात है, उसे रोहित शर्मा विराट कोहली से सजी हुई टीम भेजनी चाहिए थी। लेकिन इसी पर BCCI ने जवाब दिया कि नहीं, हम जो टीम भेज रहे हैं वो परफेक्ट है। और वहीं अर्जुन रणतुंगा की इस बात की थू श्रीलंका में भी हुई थी कि इंडिया कोई बी टीम नहीं भेज रही है, बल्कि इंडिया अपने परफेक्ट खिलाड़ियों को श्रीलंका खेलने के लिए भेज रही है। खैर, ये तो हो गई कंट्रोवर्सी वाली बात, लेकिन अब आइए आते हैं मैच के स्टैट्स पर। इस मैच में इंडिया के लिए ईशान किशन, जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और अटैकिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव डेब्यू किए थे। जिस तरह से इंडिया ने इस मैच को जीता, लगा कि इंडिया T20 मैच खेल रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी श्रीलंका की टीम ने 262 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें एक भी बल्लेबाज 50 रनों के आंकड़े को नहीं छू सका। सिर्फ एक करुणा रत्न थे जिन्होंने 35 गेंदों पर आतिशी 43 रनों की इनिंग खेली, और वही इस इनिंग का हाईएस्ट स्कोर रहा। उसके बाद बैटिंग करने के लिए उतरी टीम इंडिया के ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। पृथ्वी शॉ जिस तरह से बल्लेबाजी में अपना हाथ दिखा रहे थे, लग रहा था कि वह IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल रहे हैं। मात्र 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर वह आउट हुए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। वह आउट नहीं होते, हुआ यह कि एक बॉल उनके हेलमेट को हिट किया, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन खराब हुआ और वह जल्दी आउट हो गए। छठे ओवर के तीसरे गेंद यानी कि 5.3 ओवर में पृथ्वी शॉ का विकेट गया। छठे ओवर के चौथे गेंद को खेला ईशान किशन ने, जो कि इंटरनेशनल वनडे में अपना डेब्यू कर रहे थे। उन्होंने पहले ही गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, और यह एक अटैकिंग डेब्यू था ईशान किशन के लिए वनडे इंटरनेशनल में। उन्होंने भी शानदार हाथ दिखाते हुए 42 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली और 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद आते हैं मनीष पांडे, जिन्होंने 40 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली, 1 चौके और 1 छक्के लगाए। हालांकि ओपनिंग में आए शिखर धवन, जो कि एक कप्तान के हैसियत से इस टूर पर हैं, वो कप्तानी पारी खेलते हुए एक छोर पर डटे हुए थे और न्यू कमर्स का साथ दे रहे थे। जब बैटिंग करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव, तो उन्होंने भी 20 गेंदों पर 31 रनों की इनिंग खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। मैच के बाद शिखर धवन ने कहा कि ये नए लड़के ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कि यह IPL खेल रहा हो। इस मैच को टीम इंडिया ने 36.4 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत लिया। इस मैच में ओपनिंग करने के लिए आए पृथ्वी शॉ के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब चलिए आते हैं इस स्टोरी के ओपनिंग पार्ट पर। जब हमने आपको अर्जुन रणतुंगा के बारे में बताया था, तो अर्जुन रणतुंगा ने टीम इंडिया के बारे में जो भी कहा था, टीम इंडिया ने उस मिथक को तोड़ते हुए मात्र 37वें ओवर में ही इस स्कोर को चेंज कर लिया, जो कि श्रीलंका की ए टीम ने बनाई थी। जिसको अर्जुन रणतुंगा बी टीम बोल रहे थे, वो एक्चुअली में बी टीम नहीं है। टीम इंडिया के जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं, वो सारे IPL में वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस कर करके मैच्योर हो चुके हैं। भले ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका ना मिला हो, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका ना मिला हो, लेकिन वो खिलाड़ी चाहे पृथ्वी शॉ हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, वो सारे के सारे प्लेयर्स मैच्योर बन चुके हैं, क्योंकि IPL में उनको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को फेस करने का मौका मिलता है। इसीलिए टीम इंडिया के जूनियर टीम को भी बी टीम नहीं बोला जाना चाहिए। वो सारे प्लेयर्स मैच्योर हैं और किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वानगी हम इस मैच में देख चुके हैं। ये तो हो गई मैच की बात, लेकिन अब आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। साल 1983 से लेकर के साल 2021 यानी कि इस साल तक, यह लगातार 37वां साल है जब इंडिया और श्रीलंका के बीच बायलेटरल सीरीज हुआ है। एक भी साल इस बीच में मिस नहीं हुआ है। अभी दूसरा फैक्ट इस मैच का ये है कि इंडिया और श्रीलंका ने एक दूसरे के खिलाफ 159 वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है। यह किसी भी दो टीमों के बीच खेला गया सबसे ज़्यादा मुकाबला है।
तो ये थे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मैच के, और हमने किया इस मैच का रिव्यू आपके लिए। अगर यह रिव्यू आपको अच्छी लगेगी तो हम आने वाले मैचों की रिव्यू भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका फेवरेट पार्ट, कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेजोड़ क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।